नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ दुर्गेश। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर साथ। दिल्ली हिंसा मामले में दो और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। क्राइम ब्रांच ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ताहिर के करीबी तनवीर और गुलफाम गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास से कई मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। फॉरेंसिक जाँच के लिए फोन भेजे गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपियों के पास से मोबाइल फोन और उपकरण पाए गए हैं, इन्हें जाँच के लिए भेजा गया है। दिल्ली हिंसा मामले में दो और लोगों की गिरफ्तारी की गई है। क्राइम ब्रांच ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ताहिर के करीबी बताए जा रहे हैं तनवीर और गुलफाम, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। हमारे सहयोगी शंकर सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के लिए। शंकर, दो और गिरफ्तारियां हुई हैं और दोनों ही ताहिर के करीबी हैं। शंकर, दो और गिरफ्तारियां हुई हैं दिल्ली हिंसा मामले में, दोनों ही ताहिर के करीबी हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दुर्गेश, आपने ये जो दर्शकों बताई सही बात है कि ये लगातार जो है ताहिर, जब ताहिर की गिरफ्तारी हुई थी सरेंडर करने की फिराक में जो ताहिर हुसैन था, उसके बाद क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया, तो लगातार उससे पूछताछ हो रही है। और आपको बता दें कि अभी जो जानकारी मिली है क्राइम ब्रांच की जो टीम है, दो SIT टीम दिल्ली हिंसा पे काम कर रही है, तो SIT की टीम ने ताहिर से पूछताछ के बाद कि क्या और किन लोगों की भूमिका रही है इसमें, ताहिर के बताया जा रहा है कि अभी जो जानकारी है कि दो करीबी है, उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही अपने दर्शकों को ये भी बताएं कि ताहिर का जो लाइसेंसी रिवॉल्वर है उसे भी जब्त कर लिया गया है, और उसमें ये पुलिस देख रही है कि क्या रिवॉल्वर से फायर भी किया गया था उस दौरान, ठीक है, तो उसमें उसकी भी फॉरेंसिक जाँच कराई जा रही है। तो कुल मिला के देखें तो अभी जो है लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है दिल्ली पुलिस, और खासकर जो क्राइम ब्रांच है, जो SIT की दो टीम बनाई हुई है, वो बिल्कुल फुल फ्लेज में एक्शन मोड में नजर आ रही है। और लगातार जो है फोरेंसिक लैब में ये जो वीडियो है, जो वायरल वीडियो पुलिस के पास आ रहे हैं, और जिस तरह से गृह मंत्री ने भी अपील की थी कि भाई कोई भी इस तरह का किसी भी इलाके में किन्हीं के पास कोई वीडियो हो तो वो पुलिस को भेजें, पुलिस ने भी लगातार लोगों से अपील की थी कि इसमें जिनके पास भी इस तरह का कोई भी किसी तरह का जो सबूत है वो है तो पुलिस को भेजें। उसमें पुलिस ने ये भी आश्वस्त किया है कि उनका जो नाम है वो गुप्त रखा जाएगा, और इस तरीके से लगातार पुलिस जो है सबूत जुटा रही है, और इसमें जो भी दिल्ली हिंसा में इन्वॉल्व लोग पाए जा रहे हैं या पाए गए हैं उनके खिलाफ लगातार एक्शन ले रही थी। फोन भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी आ रही है? देखिए अभी उसमें क्या कुछ निकल के आया है वो जानकारी नहीं आ पाई है। देखिए जिस तरह से हमने आपको बताया दुर्गेश की पुलिस हर तरह से इसमें एविडेंस कलेक्ट कर रही है, जो सबूत है वो जुटाए जा रहे हैं, चाहे वायरल वीडियो के माध्यम से हो, फोन जो इस्तेमाल किए गए हैं जिन पे आरोप है, चाहे वो शाहरुख हो या ताहिर हुसैन हो, या इसमें और भी जो लोग जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनको भी पूरी तरह से हर टेक्निकल एंगल से खंगाला जा रहा है, और उनके जो फोन है उसे भी ये जांच के दायरे में रखा गया है। तो अभी फिलहाल क्या कुछ निकल के आया है फोरेंसिक की जांच में ये जानकारी नहीं अभी दे पाई है पुलिस, लेकिन ये जरूर कह रही कि कोई भी तरीका है जो इसमें पुलिस उसको छोड़ा नहीं जा रही, सब तरीके अपनाकर जो भी एक एक दोषी है उसके खिलाफ या जो भी इसमें शामिल है उनके खिलाफ पुलिस एक्शन लेगी। शंकर, हम आपके साथ बने रहेंगे। फिलहाल बता दें कि दिल्ली हिंसा मामले में दो और लोगों की गिरफ्तारी की गई है, और